हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज था फिजिक्स का पेपर और आरजीपीबी ने फिजिक्स के पेपर में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है बेटा। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी सिर्फ एक ही पेपर हुआ है और अभी पूरे थर्ड सेमेस्टर का पेपर हमारा बचा हुआ है। और फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका केमिस्ट्री का पेपर है 20 तारीख को। तो आप पहले से समझ लो कि अगर नए पैटर्न से क्वेश्चन आता है तो आपको उसे किस तरीके से डील करना पड़ेगा, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो आप पढ़े हो वही सब रहने वाला, बस तरीका क्या बेटा लिखने का हम लोग थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। अगर पैटर्न वैसा होता है तो आप ये मत सोचना कि जो नया पैटर्न से अभी फिजिक्स का क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी उसी तरीके से आएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो आपको उसे किस तरीके से डील करना है ये आप समझ लो, ठीक है बेटा? चलिए, तो जब मैं आपसे पुराने पैटर्न के बारे में बात कर रहा था, है ना, पुराने पैटर्न में क्वेश्चन कैसा रहता था? ऐसा रहता था, फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का ए, सेवेंथ का बी, एट का ए, या तो इसमें बी भी होता था, कभी कभी सी भी रहता था, डी करके बोलता था, एनी टू ऐसा भी दे सकता था वो। तो ये पैटर्न था जहां पर मैंने आपको गाइड किया था बेटा कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, अपने बेस्ट क्वेश्चन को चूज करना है कि कौन सा पांच ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है? आपको क्या करना था बेटा, आपको अपने बेस्ट फाइव क्वेश्चंस क्या करने थे, लिखने थे। ये मैंने आपको मोटा मोटी सिखाया था कि आपको अच्छे से पांच क्वेश्चन लिखना है, है ना? जब आप अच्छे से पांच क्वेश्चन लिख दोगे तो आपका 10 पेज अच्छे से हो जाएगा। देखो अगर बिहाइंड आप देखा जाए, ये पैटर्न में क्यों आपको बोलता हूं, पांच क्वेश्चन स्टार्टिंग का वो अच्छे से चेक करेगा ही करेगा, वो उसकी मजबूरी है, वो काट नहीं सकता। बहुत ऐसे टीचर्स है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे बच्चों के दिमाग में कि अरे यार तुम ऐसा नहीं करोगे। मतलब बच्चों को क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब अगर आप ए और बी दोनों साथ में नहीं करोगे आपको जीरो दिया जाएगा। क्यों जीरो दिया जाएगा? अगर मुझे सिर्फ ए ही आता है तो मैं बी कैसे लिख दूं? मैं तो मजबूरी की बात बता रहा हूं ना भाई। हाँ, आप तो मानकर चलो कि 90% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि ए आ रहा बी नहीं आ रहा, तो भाई उस सिचुएशन पे बात करेंगे ना। मैं जबरदस्ती किसी चीज को मैं आप पे थोप नहीं सकता, टीचर की मजबूरी है स्टार्टिंग के पांच क्वेश्चन को उसे चेक करना ही पड़ेगा। और अगर उस स्टार्टिंग के पांच क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं और अगर पांच पांच नंबर भी मिलता है ना तो 5 5 = 25 खत्म बात, हम लोग यहीं पास हो गए। उसके बाद आपकी कॉपी कटती है छटती है जो भी होता है, फेल तो आप करने वाले नहीं हो, ठीक है? तो ये जितनी भी चीजें दिमाग में तो कोई भी डाल रहा तो आपको क्या करना, उसको हटाना है, ठीक है? चलिए बेटा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी भी बहुत ऐसे एग्जाम्स हैं, मैथ का एग्जाम हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, हो सकता है कि पुराने पैटर्न से पूछे। तो अगर पुराने पैटर्न से पूछता है बेटा तो आपको अपने बेस्ट फाइव क्वेश्चंस के आंसर पहले देने का कोशिश करना है, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई पुरानी बात। अब आप बोलोगे सर अगर पैटर्न चेंज कर दिया आरजीपीबी ने, हम केमिस्ट्री का पेपर देने गए हैं, है ना, और केमिस्ट्री के पेपर में अब क्या हुआ बेटा? देखो ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके से अभी तक आरजीपीबी क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है ना? चलिए, अब आरजीपीबी ने क्या किया है बेटा, अभी तक क्या था, अभी तक होता था 1 का A 1 का B, अब आरजीपीबी ने क्या किया है कि 1 का C कर दिया है, ठीक? उसी तरीके से 2 का A 2 का B और 2 का C, 3 का A 3 का B 3 का C, 4 का A 4 का B 4 का C, 5 का A 5 का B 5 का C, 6 का A 6 का B 6 का C, 7 का A 7 का B 7 का C, 8 का A 8 का B और 8 का C। अब आरजीपीबी ने क्या किया बेटा, आरजीपीबी ने क्वेश्चन बढ़ा दिए। अभी तक क्या होता था 8 × 16 क्वेश्चन आता था, तो मैंने बोला था कि आपको 5 क्वेश्चन करना है, अभी तक मैंने आपको यही ज्ञान दिया था। लेकिन अब आरजीपीबी क्या कर रहा है बेटा, 8 × 3 = 24 क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो भाई अगर वो क्वेश्चन बढ़ा रहा तो हमें भी अपने बेस्ट फाइव को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने बेस्ट फाइव को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारा क्या होने वाला है बेटा, बेस्ट सेवन या तो एट। अब आपको स्टार्टिंग के सात से आठ क्वेश्चन अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो जब आपका क्वेश्चन बढ़ेगा तो क्वेश्चन लड़ने की आशंका भी तो बढ़ जाएगी ना। जो आप पढ़कर गए, हो सकता है उसमें जो पहले पांच क्वेश्चन बन रहा था अब आपसे वो सात क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप मार्क्स की बात करो तो ये मार्किंग आपका स्कीम रहेगा, पहला वाला क्वेश्चन चार मार्क्स का, ठीक, दूसरा वाला पांच मार्क्स का और तीसरा वाला पांच मार्क्स का, ये आपका मार्किंग पैटर्न होने वाला, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन चार का रहेगा, दूसरा पांच का और तीसरा पांच का, ठीक है। चलिए, अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना है, देखो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से आता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है नए वाले पैटर्न का बेटा, आप क्या करो पहले सेलेक्ट करो, ठीक है बेटा, कि कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब आप दे सकते हो। तो मुझे लगा नियर ये मैं ए दे सकता हूं, इसका सी में दे सकता हूं, फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार मैं बी दे सकता हूं इसका, मैं टू का ए दे सकता हूं, ठीक है। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं इसका मैं ए और बी दे सकता हूं जवाब, ठीक है। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं इसका बी और सी में दे सकता हूं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हमें आता है। अब देखो बेटा यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, तो चीजों को अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है भाई। मैं तो खराब किस्मत की बात कर रहा हूं, हमारा किस्मत कभी इतना अच्छा नहीं होने वाला कि हमें ए भी आए, बी भी आए, सी भी आए। नॉर्मली क्या होगा कि किसी तीन में से हमें दो आता हुआ रहेगा और किसी तीन में से हमें एक आता हुआ रहेगा। सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो बेटा सेलेक्ट करने के बाद प्लीज मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, आपने सेलेक्ट कर लिया अब आप क्या करोगे, पहला आंसर आप पता किसका देना, पहला आंसर आप उसी का देना जिसमें आपको दो क्वेश्चन आते हो। जैसे कि एट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बी और सी आता है, ठीक है। फाइव एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ए और बी आता है, ठीक। और देखो यहां पे वन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, इसको बाद में लिखेंगे। टू में भी आपको एक क्वेश्चन आता है, इसको बाद में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें तीन में से दो जवाब हम दे पा रहे हो, ठीक है बेटा। तीन में से दो जवाब हम दे पा रहे हो, सबसे पहले हम उन्हीं आंसर्स को क्या करेंगे बेटा, पिक करेंगे। तो देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें ए भी आता है और हमें सी भी आता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप थ्री का ए लिखोगे और फिर थ्री का सी लिखोगे। अब कुछ महान लोग आएंगे, बोलेंगे बी लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे भाई बी अगर नहीं आता तो जबरदस्ती कैसे लिख देंगे, कॉपी पहले ही खराब कर ले अपनी, हा? टीचर की मजबूरी है कि उसको स्टार्टिंग के पांच क्वेश्चंस आपको चेक करना ही पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। जब आपको नहीं आता आप क्या करोगे भाई, मैं शौक से थोड़ी ना बोल रहा हूं आपको, जो हो रहा वही बता रहा हूं, ऐसा ही होता है 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है। पहले हम लोग वही कोशिश करेंगे भाई कि ए बी सी तीनों लिखें, लेकिन होता नहीं है ना ऐसा जनरली, मुझे पता नहीं हो पाता। हाँ दो इसमें लड़ रहे हैं, उसमें लड़ रहा है, उसमें लड़ रहा है, ये कहानी होती है बेटा, ठीक है। तो पैनिक आपको नहीं करना, सबसे पहले आप उन्हीं सवाल का जवाब देना जिसमें आप मैक्सिमम आंसर दे पा रहे हो। हो सकता है एक आध ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें ए बी सी आप तीनों दे पा रहे हो, तो सबसे पहले आप उसे लिख देना, ठीक है। मान लो थ्री एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ए भी आ रहा, बी भी आ रहा, सी भी आ रहा, आप क्या करना, सबसे पहले थ्री को अटेम्प्ट करना। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका चार नंबर का, ये आपका पांच नंबर का, ये आपका पांच नंबर का, कट कूट के दस नंबर आपको यहीं से मिल गया, ठीक है बेटा। अब देखो वन में भी आपको आ रहा है, एक आंसर वन में भी आ रहा है, एक आंसर टू में भी आ रहा है, लेकिन इसको अभी नहीं छूना है, इसको बाद में छूना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्यों फाइव को पहले लिखेंगे, क्योंकि फाइव में हमें दो आंसर आते हैं। फिर हम लिखेंगे एट को, क्यों एट को लिखेंगे, क्योंकि एट में हमें दो आंसर आता है, ठीक है बेटा। चलिए थ्री के बाद हम क्या लिखेंगे, फाइव जिसमें हमें मानकर चलो ए और सी आता है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एट जिसमें हमको बी और सी आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो यहां पे चलो ए बी सी है ना, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। चलो तो हमने पहले किन सवालों का जवाब दिया जिसमें हमें दो आंसर आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों
आप वन का बी लिखोगे और आप टू का ए लिखोगे, ठीक है, वन का बी और टू का ए। तो ये आपका राइटिंग पैटर्न अब एग्जाम में होगा। कम से कम आपको अपने स्टार्टिंग के सात से आठ क्वेश्चंस, सॉरी सात से आठ क्वेश्चंस आपको अच्छे से देना है बेटा, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है तो लड़ेगा भी ज्यादा क्वेश्चन। और एक अच्छी बात है कि अगर छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको मजबूरी में इजी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आज का क्वेश्चन आप देखो डेरिवेशन बहुत कम था भाई, छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छी बात है, छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है बेटा। चलिए तो आपने क्या समझा आज के वीडियो से, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि देखो दिमाग में फिट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। आप देखो ये टीचर की मजबूरी है कि उसे थ्री चेक करना पड़ेगा, उससे फाइव चेक करना पड़ेगा, उससे एट, उससे वन, उससे टू, उसके बाद उसका मन हुआ तो वो काट सकता है। लेकिन भाई जब इतना चीजें आप सही सही लिखोगे ना तो कोई आपका दुश्मन नहीं कि बाद में वो काटेगा, और अगर काट भी देता है ना कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 10 नंबर हम यहां से ले चुके हैं, ठीक, हो सकता है हम 7 नंबर यहां से ले लें, 7 नंबर यहां से ले लें, इन दोनों को मिलाकर 7 नंबर ले ले, कितना हो गया टोटल 7, 7, 14, 7, 21 + 10, 31 मार्क्स, खत्म बात, हमें पास ही तो करना है और हम मजबूरी में कर रहे हैं मालिक, है ना, हमें नहीं आता तो हम क्या कर रहे हैं। अब बताओ ना भाई मैं सिचुएशन और मैं हवा हवाई क्यों बातें करूं भाई, जो कॉमन प्रॉब्लम उस पर बात कर रहा हूं, हवा हवाई की कोई बात ही नहीं है भाई। नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, नहीं आ रहा, आप बच्चे क्या करते हैं, नहीं आ रहा जबरदस्ती लिखेंगे, स्टार्टिंग में अपनी कॉपी को गलत कर देंगे। कॉपी साफ होनी चाहिए बेटा, कॉपी साफ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब जितना मैंने आपको समझाया एक बार में फिर हम आपको शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं, आप एकदम नोट कर लो अच्छे से। सबसे पहली बात कि ये जो न्यू पैटर्न है ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इस बात को आप समझ जाओ, ठीक। अगर नहीं आता है तो आपको बेस्ट फाइव क्वेश्चंस वाले कंसेप्ट पे चलना है, और अगर आ जाता है तो आपको बेस्ट सेवन क्वेश्चंस पे चलना है। आप जवाब पहले उसका देंगे अगर नया पैटर्न आ जाता है, अगर नए पैटर्न से क्वेश्चन आ जाता है आप जवाब उसका पहले देंगे जिसका आपको ए और बी मतलब कम से कम वन का दो आता हो, ठीक। अब ऐसा नहीं कि वन का सिर्फ ए आ रहा आपने सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन से कर लिया, नहीं, आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करना जिसमें आपको ए और बी आता हो, मतलब दो सवाल के जवाब आते हो। अब भाई अगर अच्छी बात हो गई, अगर तीनों आता तो फिर कोई बात ही नहीं, होता नहीं है ना यार, मैं क्या करूं, होता ही नहीं है। अब तुम खुद सोचो अगर मैथ में इस पैटर्न से पूछ दे इजी हो जाएगा, मैथमेटिक्स टू में पूछ दे इजी हो जाएगा, लेकिन मुझे पता ना आरजीडी की क्या दशा है, वो पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। अगर पूछता है तो आपको क्या करना है बेटा, एकदम आप समझ जाओ, घबराना नहीं है। सबसे पहले सेलेक्ट करना कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना पहले उन्हीं को जिसमें आपको कम से कम दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको पहले आप लिख लेना, और उसके बाद अगर आपको एक आध क्वेश्चन आ रहा आप लिखो, उसके बाद इतने में तो आप पास ही हो जाओगे भाई। उसके बाद मैं आपको खुला छूट दे रहा हूं कि आपको जो करना है कॉपी में आप करो, आप आंसर्स लिखो, जो पढ़ कर गए नहीं वो लिखो, क्योंकि कोई फेल नहीं कर सकता भाई। आप लोग क्या करो, स्टार्टिंग में इतना गलत कर देते हो ना कि टीचर को मौका मिल जाता, मौका ही नहीं देंगे हम अपने 10 पेज में ना, एक पॉइंट नहीं देंगे उस गधे को, एक पॉइंट नहीं देंगे, एक सिंगल पॉइंट नहीं देंगे ना, हम कहीं पर काटेंगे, हम पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, हम अपनी राइटिंग को इतने अच्छे कर लेंगे कि इसी 10 ही पेज में हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कि अगर कोई दुश्मन भी हमारा कॉपी चेक कर रहा तो भी उसे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है, मेरे हिसाब से डाउट नहीं है, ठीक है, अगर रह जाता है भाई तो ये मेरा नंबर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना तभी मिस कॉल मारना, क्योंकि बहुत कॉल अभी आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो ठीक है। और दुआ करना कि अगर नया पैटर्न से आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो वो इजी क्वेश्चन पूछेगा, पैनिक अपन को नहीं करना, ठीक, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भाई हमें पता क्या करना है, ठीक है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।